नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा आसमां। मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, लेखक भी हैं, आईपीएस भी हैं। उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम, तो सीधा लिए चलते हैं हम आपके पास, जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी के पास। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपके बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि आप, पहले तो मैं फोटो देखी आपकी तो मैं पहचान ही नहीं पाया, तो पहले सबसे पहले आप ये बताइए कि आप, ये फिटनेस का राज क्या है आपका? सर, फिटनेस का राज डिटर्मिनेशन है, पैशन है। मैं पिछले 9 महीनों से लगातार करीब 15,000 स्टेप का मतलब टारगेट लेके चल रहा हूँ, और साथ ही मैंने अपनी डाइट में बहुत ही अमलचूल परिवर्तन किया। अपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल एलिमिनेट किया है, और इसकी जगह पे प्रोटीन डाइट एंड सैलेड एंड फ्रूट, इन तीनों को शामिल किया है, और इसका ये एक मिला जुला परिणाम है जो आपके सामने है। आपकी डाइट के ऊपर बात हो, जिस तरह से आपने बताया, पुलिस महकमे में आप हैं और मेट्रो में एज ए DCP आप प्रभार दिखते हैं। बोलना नहीं चाहिए पर आम जनता जो आज पुलिस को देखती है, फिट नहीं मिलती है। तो आप उन लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे भैया कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है? जनता का विश्वास आप पे तभी जगता है जब आप फिट हो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अपने स्टाफ से बोलने के पहले एक किसी शायर की दो लाइनें हैं कि हर तरफ बेज़मीरों का बाजार है, पहले खुद देख ले फिर दिखाई ना, पत्थरों का शहर है बचाई ना। मतलब ये है कि हम अगर पहले खुद कुछ करके दिखाएं तो स्टाफ के लिए एक एग्जाम्पल होता है। तो बजाय किसी कहने के, अब इटसेल्फ कहते हैं, अब ये हमारी जो परिस्थिति है, हमारा जो वर्तमान है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, एक नज़ीर है। और मुझे पूरा विश्वास है इससे जो भी लोग मोटापे से जूझ रहे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, एक अच्छी पहल करने का उनको मौका मिलेगा। और अब मैं कुछ कहने लायक हुआ हूँ, निसंदेह अपने स्टाफ से, आपके माध्यम से, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसके लिए पक्के इरादे की ज़रूरत है। कई बार मैंने भी घटाया, बढ़ाया, घटाया, बढ़ाया, 5 किलो घटता है, 6 किलो फिर बढ़ जाता है। तो क्योंकि हम 1 महीने में चाहते हैं रिजल्ट मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई बड़ा परिणाम तभी आता है जब हम सतत प्रयास करते रहते हैं और बड़े लंबे समय तक करते हैं, और यही दो चीज़ें हम नहीं करते हैं। हम कभी हफ्ता भर करते हैं, कभी 10 दिन करते हैं, कभी 1 महीना करते हैं, ये सारे प्रण जो है 1 महीने में टूट जाते हैं। और सफलता इसके बाद ही, वो एक ट्री है, चाइनीज बैम्बू की कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर वो 3 साल में पूरा बढ़ता है तो 2.5 साल में वो सिर्फ 7-8 इंच बढ़ता है या 10 इंच बढ़ता है, और अगले 6 महीने में वो करीब 29 इंच बढ़ता है, या सॉरी 29 फिट बढ़ता है। अच्छा, 30 फिट का बैम्बू जो है 6 महीने में बढ़ता है 29 मीटर 29 फिट, और अगले मतलब 2.5-3 साल में मुश्किल से 10-8 इंच बढ़ता है। तो उतने समय तक आपको वेट करना पड़ेगा, उससे पहले ही आप बेच के भागे। जैसे शेयर म्यूचुअल मार्केट है, अरे घट रहा है बेच दो, अरे बढ़ रहा है बेच दो, जितने बड़े गेन हैं आप देखो कि एग्जाम्पल है। तो धैर्य की जरूरत है, कंटिन्यूटी की जरूरत है, पैशन की जरूरत है। मैं कई बार, बरसात हुई है, मैं रेनकोट पहन के टहलने वॉक करने गया हूँ, मतलब चूंकि ये था कि करना है। जिस दिन नाइट पेट्रोलिंग हुई, आप मानेंगे, मैंने अगले दिन 20,000 का टारगेट लेकर के 3 दिनों में 60,000 कदम किया, कि 1 दिन का 15,000 का पूरा करने के लिए अगले 3 दिन आपको 20,000 चलना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द पैशन। अरे ठीक है, 1 दिन से क्या होता है, फिर छोटी छोटी जो हम खाते रहते हैं, अरे एक समोसे से क्या होगा, एक रसगुल्ले से क्या होगा, ये भी SIP ही है। आप डाल रहे हैं धीरे धीरे और वो फिर बढ़ करके 130 किलो हो जाता है। पुलिस में रहने के बावजूद पुलिस का काम ऐसा है कि ना ड्यूटी टाइमिंग्स कोई है नहीं, जिस अहदे पे आप हैं वहाँ तो टाइमिंग वैसे ही मायने नहीं रखती, उसके बावजूद अपने आप को मेंटेन करना और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना, तो आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि जिम्मेदारी भी है कि भैया मैं दूसरों के लिए प्रेरणा भी हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती है। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी बिल्कुल है, और मैं मानता हूँ कि जो हमारे नीचे का जो स्टाफ है, कांस्टेबलरी है या हेड कांस्टेबल ऐसा ही है, उनकी परिस्थितियाँ हमसे थोड़ी ज़्यादा कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि मैंने एक अक्षय कुमार जो एक्टर है उनकी एक कहीं वीडियो देखी थी कि इफ़ यू कांट स्पेयर टाइम फॉर योर सेल्फ देन रेडी टू डाई। मतलब बात यह कि आपको ठीक समस्याएँ आएंगी, फिर यू हैव टू सेलेक्ट, परेशानियाँ हैं
टाइम फिक्स नहीं मिलेगा, कभी शाम करना पड़ेगा, कभी सुबह करना पड़ेगा, बट अगर आप करने को कृत संकल्प हैं तो आप करेंगे और कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है अभी तक मैं भी नहीं कर पा रहा था, तो बहाना तो कुछ ना कुछ होता ही है, अरे साहब ये तो टाइम नहीं है, पुलिस की नौकरी है। बट जब हम उदाहरण बहाने खोजते हैं ना तो मंजिल नहीं मिलती जी, बहाने भूल जाए। अर्जुन की तरह कहते हैं ना कि हमको चिड़िया कहाँ दिखाई दे रही है, और किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रही है, तो उसको मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल के लिए तो आपको आँख ही देखनी पड़ेगी। अगर आप आँख देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि एक लंबे समय के बाद आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, आप एक बात, आप एक छोटे से गांव से गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है। बिल्कुल, बाल भीटी एक गांव है। हाँ जी, और बिल्कुल प्राइमरी स्कूल से वहाँ पढ़ा हूँ, मतलब जो कहते हैं ना तट पे बैठ करके पढ़ना। जी जी, और पुरानी शिक्षा पद्धति जिसमें लकड़ी के वो फट्टे पे लिखा जाता था जी, नरकट की कलम होती थी और दावत और मोटे वाले सेल होते थे बैटरी के, उनको फोड़ के उसको काला किया जाता था। हाँ जी, तो शुरुआत बहुत प्रिमिटिव स्टेज से की है, बट फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये कहना है कि देखिए द्रोणाचार्य की अपनी महत्ता है, लेकिन एकलव्य भी कोई चीज़ था। एकलव्य हमें यह सिखाता है कि अगर गुरु की मूर्ति भी रहे ना और आपके अंदर पैशन रहे तो यू कैन बी बेटर देन अर्जुन, यू कैन बी बेटर देन अर्जुन। बिल्कुल, और अगर वही नहीं है जी तो बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन भी आपको कुछ सिखा नहीं सकता। ये मैंने अपनी जिंदगी से सीखा। पर आपने शायद, आपको गाइडलाइन अच्छी मिली। आज आज आने वाले पीढ़ियां जो हमारे सामने हैं गांव में, कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि मतलब किस तरह से अपने करियर का सिलेक्शन करें। उन लोगों के लिए कैसे आप बोलोगे कि सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, क्योंकि बच्चा हाई स्कूल करता है, इंटर करता है, उसके बाद प्रेशर होता है गांव में कि कुछ कमाएगा, पिताजी का साथ देगा, और जब उसे काफ़ी टाइम बीत जाता है उसके पास से बॉर्डर लाइन भी निकल जाती है, तब उसे समझ में आता है यार मैं पढ़ने में तो ठीक था पर मेरे को ये पता ही नहीं था ये कि इस आईपीएस में भी जा सकता हूँ, आईएएस के लिए भी तैयारी कर सकता हूँ। उसको दो ही लाइन पता होती है, मेडिकल या इंजीनियरिंग। तो हर आदमी का अपनी अपनी सोच है। देखिए आजकल तो हम तो जब पढ़ते थे तब गूगल ही नहीं था, जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो गूगल आया है जी। आई थिंक दैट 2000 के बाद ही गूगल आया है, 2003-04 में या जो भी है। हाँ जी, तो उस समय तो कोई जानकारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब आप कुछ पाने की लालसा रखते हैं, देखिए फिर कह रहा हूँ कि उपलब्धता है तब भी आप नहीं कर पाएंगे, और यदि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, लोगों को देख करके मन में रहता था नहीं यार हम भी बनेंगे। अब मैं बताऊँ, हॉस्टल में इलाहाबाद में जा रहा था, उसके सामने कमिश्नर आवास था, मुझे नहीं पता कि आज है कि नहीं, लेकिन ताराचंद हॉस्टल था, उसके ठीक सामने कमिश्नर जी का आवास था दिल्ली इलाहाबाद के। तो जब वो गाड़ी लेके जाते थे और कहते ना कि मतलब बड़ा अच्छा लगता था कि यार एक गाड़ी जा रही है, एक एम्बेसडर बत्ती लगी हुई जा रही है, कितना अच्छा लगता था। मतलब एक प्रेरणा कहीं से ले सकता है कि ठीक है साहब हम भी कुछ खास बनेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो मोटिवेशन लेने के लिए तमाम सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। बात सिर्फ ये है कि हम, मैं फिर कह रहा हूँ कि यही, जब आप सर आप ऐसा काम करो ना कि आप हारो तो आपकी तारीफ हो। मैं तो बार बार कहता हूँ, सिकंदर से लड़े थे पोरस, पोरस ने लड़ाई जीती नहीं थी, जो इतिहास बताता कि हार गए थे। हारने के बाद आज उनकी नाम, उनका नाम क्यों लेता है, क्योंकि एक ऐसा आदमी था जो इतनी बड़ी मुसीबत के सामने बड़ी हिम्मत से लड़ा। झांसी की रानी क्यों जाने जाते हैं, जीतने के लिए नहीं, लड़ने के लिए जाने, लड़ने के लिए जाने जाते। बिल्कुल, चांदबी भी है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, इन्होंने ऐसा नहीं कोई अंग्रेजों को भगा दिया और वही उसी दिन आज़ादी मिल गई, ऐसा नहीं। लेकिन उतनी बड़ी शक्ति के सामने, सत्ता के सामने पूरे मादा से लड़ना, तो पहले अपना तो ट्राई करो, ट्राई योर बेस्ट। अगर बेस्ट ट्राई करने के बाद हारते हो ठीक है, पूरा सारा तो कहता ठीक है तब मैं राजा हूँ, हार गया कोई बात नहीं। तो एक ऐसी लड़ाई लड़ो, इतनी शिद्दत से लड़ो कि हार जाओ तब भी लोग आपसे जब बात करें, आपके बारे में बात करें, तो उनके दिल में एक इज्जत हो। और इसका तरीका यही है कि अपने समर्पण से लड़ो, अपने पूरी ताकत से लड़ो, अपने पूरी मेहनत से लड़ो। मैंने कई बार करके देखा है जी, जब भी आप इस तरह करेंगे आपको विजय का बिल्कुल स्वाद मिलेगा ही मिलेगा जी। एक बात आपके बारे में काफ़ी चर्चित रही है सोशल मीडिया पे, आपने माँ की रोटी ढूंढ के दी थी जी। देखिए एक होता है, जैसे पुलिस विभाग में कहते हैं कोई किसी की सुनता नहीं है, एक देखिए होता है कि मैं भी पुलिस का, एक दिल्ली पुलिस का छोटा चेहरा हूँ, हमारी कोशिश होती है कम से कम हमारे माध्यम से एक अच्छी वाइब्रेशन जाए, एक अच्छा लोगों में संदेश जाए। तो कहते हैं कि हर एक आदमी अपना प्रयास करे दूसरे को उंगली दिखाना कि तुम खराब हो, ये अच्छा नहीं है, अपना हम क्या करके दिखा रहे हैं। एक आम आदमी की बात कोई सुनता है, बस उस पूरे खबर में यही एक खबर है कि एक आम आदमी एक छोटी सी खबर डालता है अपनी मदद के लिए और उसको मदद मिलती है, ये इस खबर का जो जिस्ट है कि मुझे एक मोबाइल पे व्हाट्सएप पे एक आदमी अननोन पर्सन विदाउट सेविंग नंबर कोई मैसेज देता, साहब मेरा एक बैग ट्रेन में छूट गया है मेट्रो में,
तो मैंने कंट्रोल रूम से बोला भाई पता करो क्या है बैग में। अरे कह रहा है सर कुछ नहीं है, कह रहा है माँ के हाथ की रोटी बनाया गया लाए थे उस सत्तू भरी हुई पराठा जो भी जी है जी। तो वो ले जाके खाने वाला था वो उसका गायब हो गया और कुछ नहीं। दिस वॉज द वर्ड। मैंने कहा भाई माँ के हाथ की रोटी की बड़ी कीमत होती है। दुर्भाग्य से मेरी मदर का की डेथ 2002 में हो गई थी। तो मैंने कहा भाई मैं समझ सकता हूँ कि इसकी क्या कीमत है, तो लेट्स ट्राई फॉर दैट जी। और 45 मिनट के एफर्ट के बाद वो जनकपुरी एरिया से वो उसका बैग मिल गया। तो एक आम आदमी की सुनवाई होनी चाहिए। और सिस्टम में ऐसे ही भरोसा लोगों का आता है, कोई VIP फोन करके काम करा ले रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन आम आदमी की बात भी सुन ली जाए तो एक लोगों का सिस्टम में एक विश्वास पैदा होता है जी। और वो मेरी कोशिश रहती है जी। जब हम देखते हैं कि आपके अंदर इस तरह मतलब ममता भी भरी है आपके अंदर, जब वर्दी में किसी पुलिस वाले को देखते हो तो डर ही लगता है कि यार इनसे बात करें या ना करें, तो हमने जब आपसे बात करी आपके अंदर की उदारता को भी देखा, आपके द्वारा कार्य को भी देखा, आप लोगों दूसरों की प्रेरणा भी बने। ड्यूटी है, जैसे आप जब उस रोल में हैं जब पुलिस का काम कर रहे हैं जी, हर आदमी एक ही नेचर में हर जगह नहीं हो सकता। हम अपराधी से अगर बात कर रहे हैं तो हमारा नज़रिया अलग होगा जी। हम एक शिकायतकर्ता से बात कर रहे हैं हमारा नज़रिया अलग होगा। जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलने का नाम नहीं है। आपको जैसी ज़रूरत है, जैसी वहाँ वक्त और हालात हैं, उसी हिसाब से आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, नॉर्मल भी होना पड़ेगा। कुछ लोग उसको परमानेंटली ओढ़ लेते हैं। एक चश्मा है, ठीक है, धूप है तो आपने चश्मा लगा लिया जी। अब रात में चश्मा लगा घूमेंगे आप तो काला ही दिखेगा। तो मतलब ये है कि हम एक पुलिस फोर्स में आ गए, किसी में आ गए, तो आप उसी फ्रेम में 24 घंटे चल रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं पुलिस का काम करूँ तो पुलिस की तरह करूँ, और जब मैं पुलिस काम नहीं कर रहा हूँ तो एक आम आदमी की तरह रहूँ। और उसमें मैं अपनी अच्छे भाव सोचता हूँ और कुछ कविताएँ लिखता हूँ और लोगों तक पहुँचाता हूँ अपने भाव। एक दो पंक्तियाँ हो जाएँ आपकी। कुछ पसंदीदा लाइनें हैं मेरी वाइफ के लिए लिखी थी जी। ये कुछ यूं तू काबिले दीद थी, मेरी आंख तेरी मुरीद थी। कुछ यूं तू काबिले दीद थी, मेरी आंख तेरी मुरीद थी। तुझे सोचना मेरी चांद रात, तुझे देखना मेरी ईद थी। तुझे सोचना मेरी चांद रात, तुझे देखना मेरी ईद थी। वाह। तो जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी से हमने काफ़ी सवाल किए और उनको पर्सनली जानने की भी बहुत कोशिश करी। उनके कैरेक्टर बार बार, इतने सारे कैरेक्टर हैं कि हम उनको ढूंढते ही पा रहे हैं कि वो लेखक हैं, गायकार हैं, कवि हैं। कुछ एक दो पंक्तियां इस तरह से कि कुछ हमारे दर्शकों को याद रहे। चलो, अभी मैंने लिखा था, चलो इन आंधियों का जोर आजमाते हैं, चलो इन आंधियों का जोर आजमाते हैं, इन आंधियों में हम चिराग को जलाते हैं। तो जब आपकी डिटर्मिनेशन इस लेवल की हो कि हम आंधी में भी चिराग जला लेंगे तो चिराग जल जाएगा। आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति उदाहरण है, भरे पड़े उदाहरण। जो अपनी खुदी से जुदा हो गया, खुदा की कसम बस खुदा हो गया। और एक लाइन है कि आदमी बनने का दावा कर नहीं पाया, मगर आदमी ने खुद खुदा होने का दावा कर दिया। आदमी भगवान बनने को, खुदा बनने को तैयार है, इंसान बनने को तैयार नहीं। मेरे मौला मेरी आंखों को समंदर दे दे, मेरे मौला मेरी आंखों को समंदर दे दे, जहाँ के दर्द से दिल जार जार रोता है, जहाँ के दर्द से दिल जार जार रोता है। और जो एक लाइन देखिएगा कि दिए और सूरज की क्या तुलना की है, कि लाख सूरज हो दिए को संभाल के रखना, लाख सूरज हो दिए को संभाल के रखना, वरना तुमको अंधेरी रात काटनी होगी, वरना तुमको अंधेरी रात काटनी होगी। और ये कि किसी के वास्ते सूरज कहाँ निकलता है, किसी के वास्ते सूरज कहाँ निकलता है, वो तो दिया है जो सिर्फ तेरे लिए जलता है, वो तो दिया है जो सिर्फ तेरे लिए जलता है। कुछ एक रचना मैं आपको इससे सुनाना चाहूँगा। मेरी दो किताबें प्रकाशित हुई हैं अभी तक, मैं दिखाना चाहूँगा। जितेंद्र, एक मणि की किरण एक पुस्तक है जी, इसका विमोचन इसी साल हुआ है।
और माननीय आयुक्त दिल्ली पुलिस महोदय ने इसका विमोचन किया था। अच्छा, इसकी कुछ लाइनें अच्छी मैं सुनाता हूँ आपको कि लाख कहता रहा चांद मैं चांद हूँ, लाख कहता रहा चांद मैं चांद हूँ, हुस्न उसका यहाँ बेमज़ा रह गया, ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, चांद कितना सजा का सजा रह गया, ओ सादगी आपकी आपका हुस्न ये, दाग में चांद वो कितना शफाक ये, ओ यार मेरा जो छत पे गया आज तो, चांद भी बस ठगा का ठगा रह गया, ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, ओ चांद की चांदनी संग मामूर थी, यार के मेरे आगे वो बेनूर थी, चांद की चांदनी कितनी मध्यम पड़ी, यार मेरी भला की अजब हूर थी, ओ चांद सुंदर है ये बात कितनी गलत, चांद सुंदर है बस फलसफा रह गया, ईद बहुत सुंदर। आप एक किताब और मैं आपकी काफी चर्चित रही जी, ये कहीं तो हंसी हो, कहीं तो हंसी ये पुस्तक है, ये भी मेरा पहला काव्य संग्रह है। इसके बारे में थोड़ा सा, ये कैसे आपने ये दोनों पुस्तकें? दरअसल ये एम्स में मैं जाता था तो वहाँ कैंसर वार्ड में बच्चों के जब मैं देखता था उनका वो होता था रेडियोथेरेपी जी, तो 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है उसको, मतलब तो एक आदमी वहाँ आता था और उसके घर पे कोई कैंसर से डेथ हुई थी तो वो चॉकलेट लाता था, एक लेयर्स की वो नीली वाली टॉफी एक लेयर्स आई थी तो वही एक पैकेट लाता था और बच्चे जैसे आ रहे हैं तो उनको ऐसे खड़ा रहता था, वो कोई जो जितना निकाल रहे 2-3 पैकेट लेकर रखता था। तो मैंने उससे बातचीत करा, साहब इसी तरह बात थी, मेरे साथ दुर्घटना हो गई थी तो मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, 2 बच्चों को मुस्कुराते हुए देख लेता हूँ, मुझे बड़ी इससे खुशी मिलती है। तो मुझे बात समझ में आई कि कई बार हम बड़े बड़े प्रयोजन के चक्कर में छोटे प्रयोजनों को रोकते हैं या छोटी खुशियों को काटते हैं जी। तो ये नहीं करना चाहिए, हमें छोटी खुशियाँ ज़रूर पकड़ लेनी चाहिए, बड़ी तो जब मिलेगी मिलेगी, लेकिन रोज का तिल तिल के मरना और रोज की खुशी को काट करके एक बड़ी खुशी के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि फिर वही बात है सर कि अगला वक्त हमारा नहीं है, अब बड़ा भव्य करेंगे तो करोड़ रुपया जब जुटेगा तो करेंगे, तो ये प्लानिंग तो ठीक है, तो दिस इज व्हाट द बिहाइंड दैट कि वाइफ को कैंसर था, मैं जाता था, चीज़ों को देखा, लोगों को देखा, तो एक नाम निकला ये दिमाग में, कहीं तो हंसी हो। इसका विमोचन भी 2018 में हुआ था और इसमें भी कुछ अपनी भाव की रचनाएं हैं। चेहरे पे लिए दाग चांद तुझको क्या गुरूर, चेहरे पे लिए दाग चांद तुझको क्या गुरूर, तुझ पे अदाओं का है छाया कैसा ये सुरूर, लेकर पराया नूर, चांद में अपनी चमक नहीं होती है तो लेकर पराया नूर, चंदा किस भरम में है, तुझ में भी है क्या शर्मो हया जो सनम में है, जो खुद के नूर से सुकून देती है मुझको, नजरों के इशारे से चुरा लेती है दिल को, मुझको नहीं तेरी जरूरत सुन ले ओ चंदा, अब ईद को कहेंगे सनम अपनी छत पे आ, हम तुझको देख कर के तेरी ईद अपनी ईद करेंगे, और चंदा तेरा दीदार अब तो हम न करेंगे, चंदा तेरा दीदार अब तो हम न करेंगे। वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे कितना समय बचता है, सोशल मीडिया पे आप रहते हैं, कभी आप हो गए सर, एक बात बताइए, पुलिस में आप हो, सोशल कितना समय है आपको सर? हम ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं हम अरेंजमेंट में हैं, बैठे हुए हैं, 3 घंटे बैठना जी जी, ठीक है, हम बैठे हैं ड्यूटी कर रहे हैं, एक बटन की दूरी है, आपने कुछ दबाया कुछ पहुंच गया जी, ऐसा नहीं होता ना कि पहले अलग से कहीं जाके किसी चैम्बर में जाके बैठना है, कुछ करना है, जैसे एक जमाना था पहले साइबर हट में जाएंगे, अपना लॉग इन करेंगे खोलेंगे, आजकल सब कुछ लॉग्ड है, यू जस्ट ओपन यू सेंड। तो टेक्नोलॉजी ने आपको इस लाइक एक काबिल बनाया है कि आप एक बटन से दूर हैं, उसके लिए अलग से कोई तैयारी या प्रिपरेशन करके करने जाने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली में कुछ भी खोए, जितेंद्र त्रिपाठी जी का नंबर हो तो चीज आपकी मिल जाएगी, ऊपर वाले की भी कृपा होनी चाहिए देखिए, लेकिन कोशिश तो, मतलब ये कोशिश। अभी 2-3 दिन पहले एक लेडी का फोन आया, मैं बताऊंगा आपसे, उसने कहा साहब मेरा लैपटॉप चोरी हो गया और आप कुछ करिए, मैंने कहा मैम रुक जाइए, कह रहे फोटोज का आ गया जी, मैंने कहा मैम तो ठीक है लेकिन फोटो ऐसा तो नहीं कोई बड़ा चर्चित व्यक्ति है और फोटो आ गया तो हम पकड़ लेंगे, ठीक है एक फोटो आया है बट वो कौन है
ये भी तो देखना पड़ेगा। उनका नहीं सर आप प्लीज़ कोशिश करिए, ऊपर वाला कभी और मदद करता है। मैं बताना चाहूँगा नेक्स्ट डे वो चोर हमने पकड़ लिया, उसकी कार वार खोजते हुए उसकी हम गाड़ी से चले गए टू व्हीलर तक, टू व्हीलर नंबर लिया, नंबर से उसका उसके घर का एड्रेस लिया और उसको रिकवर करके दे दिया। अभी आईजीआई का मैटर है। चलते चलते अब से आपकी पत्नी के बारे में, आपकी किताबें जितनी भी हैं सभी उनको आपने उनको प्रेरित की हैं और जहाँ भी देखा जाता है अपनी पत्नी का नाम है, जो जैसे कि करवा चौथ इसके ऊपर आपने कुछ लिखा है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दीजिए। नहीं वो तो एक आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होगा वो। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जैसे लास्ट ईयर भी जैसे वो कैंसर की पेशेंट थी जी, और 2017 की बात है, उस साल भी उन्होंने ये व्रत रखा। मतलब मैंने मना करता रह गया कि मतलब अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर यू, बट वही वो वर्ड्स मतलब नोवारा टाइम्स ने भी इसको अच्छा एक स्टोरी बना के लिखा था कि मतलब मैं रहूँ ना रहूँ, दिस वॉज द वर्ड कि यू हैव टू बी सस्टेन फॉर 100 ईयर्स फॉर माई चिल्ड्रंस। तो मैं आपको बताऊँ कि शी वॉज वेरी लर्नड लेडी, LSR की टॉपर थी, सरस्वती सम्मान उनको मिला हुआ था, पूरी डेलिवरी टॉपर थी, इंग्लिश मीडियम ऑलराउंड थी और हिंदी ऑनर्स इन्होंने BA ऑनर्स कर रखा था और डेलिवरी टॉपर थी। शी वॉज अ वेरी गुड पेंटर। तो बात यह है कि उनका भाव देख के कि नहीं ठीक है, मेरे दो बच्चे हैं और उनका ध्यान रखिएगा और फॉर देम यू हैव टू सर्वाइव फॉर 100 ईयर्स। जैसे कह रहे हैं इस बार आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, जब मेडिकल रिपोर्ट्स काफ़ी ख़राब आई जी, तो लगा कि मतलब मामला अब गलत हो रहा है, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि डेटोरिएट होने की स्थिति में थी। कहते ना सिंगल पहिए, ये पहिए की गाड़ी चलाना सर सर्कस में ही होता है जी, सर्कस में वो जब चलाता है जोकर तो लोग तालियां बजाते हैं, एक पहिए गाड़ी चलाना वैसे ही है जैसे सर्कस में वो जोकर चलाता है कुछ देर के लिए और हम ताली बजाते हैं, बट कंटिन्यूसली उस पहिए एक पहिए गाड़ी को चलाना है, इट्स अ बिट टफ ड्यूटी। बट ये इन पुलिस डिपार्टमेंट खासकर कि हमें पुलिस महकमा भी देखना है, हमें बच्चों को भी देखना है, अपने आप को देखना है। तो मुझे लगा नहीं, मुझे मतलब मुझे अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए सस्टेन करना है। वो किसी की बड़ी अच्छी लाइनें थी कि मुझे थकने नहीं देता ये मुसीबत का पहाड़ और मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, सफलताएँ नहीं मिलती जी। जी तो आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा और मन तो नहीं कर रहा है कि प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आपसे जानने की इच्छा बहुत सारी है पर समय का थोड़ा सा अभाव है इस कारण। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी, जो IPS हैं, कवि हैं, लेखककार हैं और न जाने क्या क्या हैं जो मुझे नहीं पता। तो मेरे आसमां में इनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।